الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مشحون منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كهف الورى مصباح السلم جميل الشيم وجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والمعراج سفره الى سدره المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده خاتم النبيين سيد المرسلين انيس الغرابين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين سراج السالكين محب الفقراء والغرباء والمساكين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين بالقاسم نادع علي مظهر العجائب تجده عن اللقاء في النوائب كل هم وقم سعي جليل بولايتك يا علي يا علي يا علي فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وادخ القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته فالله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين बड़े जमाने के बाद फिर मुझे बरेली आने का शरफ हासिल हुआ है और यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आपकी समातें मेरे लफ्जों को मेरे जुमलों को फरामोश नहीं फरमाई। वो परवरदिगार कि जिसने जमीन का फर्श बिछाया, वो परवरदिगार कि जिसने आसमान का शामियाना लगाया, वो परवरदिगार कि जिसने दरियाओं को रवानी दी, वो परवरदिगार कि जिसने फिक्रों को जवानी दी, वो परवरदिगार कि जिसने पहाड़ों को इस्तेहकाम दिया, वो परवरदिगार कि जिसने तारों को चमक दी, वो परवरदिगार कि जिसने फूलों को महक दी, वो परवरदिगार कि जिसने टाली को लचक दी, वो परवरदिगार कि जिसने चुड़ियों को चहक दी, वो परवरदिगार कि जिसने जन्नत को नूर दिया, वो परवरदिगार कि जिसने इंसान को शऊर दिया, वो परवरदिगार कि जिसने आदम को इल्म दिया, वो परवरदिगार कि जिसने नूह को इल्म दिया, वो परवरदिगार कि जिसने मूसा को हैबत दी, वो परवरदिगार कि जिसने ईसा को ज़ोहद दिया, वो परवरदिगार कि जिसने याकूब को सब्र दिया, वो परवरदिगार कि जिसने यूसुफ को जमाल दिया,
वो परवरदिगार के जिसने इब्राहिम को खुल्लत दी, वो परवरदिगार के जिसने मोहम्मद अरबी को कमाल दिए, वो परवरदिगार के जो सामे भी है समी भी है, वो परवरदिगार के जो पासर भी है बशीर भी है, वो परवरदिगार के जो मुअज्जम भी है अजीम भी है, वो परवरदिगार के जो मुकर्रम भी है करीम भी है, वो परवरदिगार के जो सामे भी है समी भी है, वो परवरदिगार के जो मुतकल्लिम भी है कलीम भी है, वो परवरदिगार के जो सारी कायनात का खालिक भी है और सारी कायनात का मालिक भी है, वो परवरदिगार अपने रसूल से इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहर रसूलो बल्लिग, ऐ रसूल तबलीग कर दीजिए, माउन सुनाई जाए कि मिन रब्बी, जो आपके रब की तरफ से नाजिल हो चुका है, वह इन लम तफअल, और अगर आपने ऐसा फेल अंजाम नहीं दिया, फमा बल्लगता रिसालतहू, तो फिर कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया, वल्लाह अशरफ मिन नार, अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा, इन्नल्लाह ला यहदी कौम काफिरीन, बेशक अल्लाह कौम काफिरीन की हिदायत नहीं करता। अल्लाह ने कुरान में लफ्ज बल्लिग एक जगह इस्तेमाल किया है, दुनिया परेशान है, तबलीग कीजिए तबलीग कीजिए तबलीग कीजिए, हमने कहा तबलीग कहते किसे है, कह लगे नमाज के बारे में बताइए ये तबलीग, रोजे के बारे में बताइए ये तबलीग, हज के बारे में सिखाइए ये तबलीग, हमने कहा ये मुसलमानों की तबलीग है, अल्लाह से पूछते कि तेरी तबलीग क्या है, अल्लाह कह रहे या अय्युहर रसूल बल्लिग, ऐ रसूल अली की विलायत का ऐलान कर दीजिए, पढ़ना है। हमने कहा कहां पढ़ना है, कहा बरेली में फला जगह पढ़ना है,
हमने कहा ठीक है, हमने कहा वक्त क्या है, कहने के ये वक्त है, वो हमने डायरी में नोट कर लिया। अब जैसे इनका कल फोन पहुंचा तो इन्हें तफसील बताने की जरूरत नहीं हुई, उनके बात पहले हो चुकी थी। तफसील से बात पहले हो चुकी थी, अब तो खाली इनको इशारा करना था। जैसे ही इनको तफसील बनी और नाम आया इनका, तो हम समझ गए कि वादा वही वादा है तेरा सफर वाला। अल्लाह नबी ने खून के मैदान में कहा मांग जरा इलाही नबी, जो आपके रब की तरफ से नाजिल हो चुका है, हो चुका है, तो पालने वाले कहां नाजिल किया, तो हमने रात का क्यों बनाया था। सब मौला के चाहने वाले बैठे, सब असरदार बैठे, ठीक
درمیان مجلس پڑھنے آیا اور یہ حسنین صاحب یا کوئی اور مومن یہ کہیں کہ مولانا آپ مولا علی کے فضائل پڑھ لیجیے, میں دیکھ لوں گا, میں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا, تو کیا مجھے آپ لوگوں پہ شک نہیں ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے علی کے فضائل سن کے؟ میں بچاؤں گا
पालने वाले ठीक है तू बचाएगा ना, कहा मैं बचाऊंगा, कब वादा तेरा है, कहा वादा मेरा है, अहद तेरा है, अहद मेरा है, इकरार तेरा है, कहा इकरार मेरा, मैं बचाऊंगा अपने रसूल को। हमने कहा ठीक है पालने वाले, तेरा कुरान, तेरी आयत, तेरा कलाम, हमें कोई इतराज नहीं, तेरा कुरान एक जमाने पर मोहित नहीं है, हर जमाने को अपने हिसार में लिए हुए है। कह लगा हाँ हर जमाने को हिसार में लिए हुए है मेरा कुरान। हमने कहा ठीक है पढ़ने वाले, तेरा वादा है ना तू बचाएगा। कह लगे हाँ मैं बचाऊंगा। मैंने कहा ठीक है पढ़ने वाले, आजा खैबर में आ जा, मार दे मजहब को, पछाड़ दे अंतर को, उखाड़ दे खैबर को। खैबर में नहीं आता तो खंदक में आ जा, खंदक में नहीं आता तो बदर में आ जा, बदर में नहीं आता तो उहुद में आ जा, उहुद में नहीं आता तो शबे हिजरत आ जा। जो
پیچھے رہ گئے تھے ان کا ویٹ کیا, جو آگے چلے گئے تھے ان کو رجت کروائی. جتنے علی ہو رہے ہیں نا, علی کے لیے تو سورج پلٹتا ہے. مجلسوں کا وعدہ لیتا ہوں, میرا وعدہ ٹائمنگ کا وعدہ نہیں ہوتا. دوسرے سے اتنا کہا گیا کہ آپ کو مجلس پڑھنا, یہ نہیں کہا گیا ایک ہی گھنٹہ پڑھنا ہے. آپ ریل والے داد دے یا نہ دے, ٹائم تو ٹائم پر فکس نہیں ہے. بہت شکریہ. تو ٹائم بالکل فکس نہیں ہے. میں بہت کم پڑھتا ہوں, ایک گھنٹے کا ملتوی کر دوں گا. آگے چلے گئے تو ان کو رجت کروائی, جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار ہوا. جب پورا مجمع ایک مرکز پہ جمع ہو گیا, آپ دیکھتے ہیں جب مولانا کوئی بھی مولوی ممبر پہ بیٹھتے تو کہتے آگے تشریف لائیے, مل کے بیٹھیے, سمٹ کے بیٹھیے. سیرت مولوی نہیں ہے, سیرت رسول ہے. مدینے سے لے کے چلتے ممبر,
सलमान नबी को तो ऐलान होगा, और लोगों को इसलिए नहीं बताया था कि हज भी नहीं करेंगे। अली की अदावत में हज भी छोड़ देंगे, औरों को इसलिए नहीं बताया था, मगर नबी को तो पता था, तो नबी को मेंबर कैरी करके चलना चाहिए था। किसी साहबी से कहते लो ये मेंबर है अपने ऊंट पर रख लो, लेकिन नबी अल्लाह ने नहीं लिया। नबी अल्लाह ने नहीं लिया। अब देखिए हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये भी बुजुर्ग हैं और भी काफी बुजुर्ग हैं, आप बताइए कि बचपन से आप मजलिस काहे पे सुन रहे हैं? जिस मौलवी को भी सुनते हैं तो मेंबर पर आके बैठता है। मैं बरेली में आऊं और आपसे कहूं, देखिए मैं बरेली में आया तो हूं मगर अलग की तकलीर करूंगा, तो मौलाना कैसे? तो आज हम मजलिस पढ़ेंगे बाइक पे बैठ के। बहुत बड़ा फलसफा समझा रहा हूँ। आज हम मजलिस पढ़ेंगे बाइक पे। कहले मौलाना कौन सी बाइक? हमने कहा शायद स्प्लेंडर बहुत चलती है। कहले जी मौलाना, हमने कहा स्प्लेंडर लाइए आप, हम स्प्लेंडर में बैठ के मजलिस पढ़ेंगे। हम स्प्लेंडर में बैठ गए और हमने मजलिस पढ़ी। हम स्प्लेंडर पर बैठ के पूरी मजलिस बाइक पर बैठ के पढ़ के गए। अब हम तो चले गए, लेकिन जब जवान बूढ़े बुजुर्ग बस्ती में निकले, आबादी में निकले, उन्हें जहां भी स्प्लेंडर नजर आई वहां शर्म नहीं दिखे। देते हैं, क्या बात है, पंखा लगा हो कि ना लगा हो, मैं
बहन होती हम सुकून से बैठे होते हैं, क्योंकि अली की मोहब्बत का ऐसी दिल में चल रहा होता है। अली की मोहब्बत ये ठंडक पहुंचाती है दिलों में। ये ऐसे ही खाली ऐलान हुआ, इतने लोग आ गए, इतना मजमा आ गया, खाली ऐलान हुआ कि सामने से हुसैन है, इतना मजमा जमा करने के लिए किसी पॉलिटिकल लीडर को हजारों रुपए खर्च करने पड़ गए। जब तक इलाके के छोटे नेताओं को पैसे नहीं दिए जाते, प्रधानों को पैसे नहीं दिए जाते, रैलियों में मजमा इकट्ठा नहीं होता, वहां लोग पैसे दे के बुलाते हैं, यहां लोग पैसे खर्च करके आते Yeah.
विदाउट एनी डिस्टेंस जस्ट जिसका मैं बोला फौरन। अब कहने लगे कलमा कहां से लाए, हमने कहा गदीर की अलमारी में रखा था वहीं से उठा के लाए। भाई लफ्जों की कदर किया है, हमने कहा गदीर की सेफ अलमारी में रखा था वहीं से उठा के लाए। कल बताएं तो साबित तो करें कलमा। हमने कहा सुनिए हमारा मौला भी गदीरी है, हमारा ईमान भी गदीरी है, हमारा सलमान भी गदीरी है, हमारा कलमा भी गदीरी है। कले कैसे आपका कलमा गदीरी है? कल नबी की हदीस तो सुनिए, नबी ने फरमाया अल्लाह हो मौलाया वाना मौला मोमिनी
पत्थर आया। और देखिए मैं मेरा तो बहुत मुख्तसर सा मुताला है, अगर आपके इल्म में बात हो तो मुझे बताइएगा, मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। नदीर खून के मैदान में जो पत्थर आया था वो कौन लेके आया? कोई नहीं भाई, अब अभी तो काबे का दुश्मन को मार दिया। काबे के दुश्मन के लिए पत्थर नहीं भेजा अल्लाह ने, कंकरी। कंकरी और पत्थर में फर्क ये, एक पत्थर के बहुत सारे पार्ट किए जाएंगे, तो कंकरिया बनती है, बहुत सी कंकरियों को जमा कर दिया जाए तो एक पत्थर बनता है। अल्लाह ने कहा मारूंगा काबे के दुश्मन को भी, मारूंगा अली के दुश्मन को भी, मगर काबे के दुश्मन को कंकरी से मारूंगा, अली के दुश्मन को पत्थर से मारूंगा। अली के दुश्मन से भी मारूंगा, काबे के दुश्मन से भी मारूंगा। मैं कहूंगा पालने वाले का हावी पत्थर, वो हावी पत्थर काबे के दुश्मन को भी मार रहा है, अली के दुश्मन को भी मार रहा है। तो मैं परवरदिगार हूं, मेरा कानून नहीं बदलता। मैंने जो सजा दुश्मन ने काबा के लिए रखी है, वही सजा दुश्मन ने मौलू ने काबा के लिए। शिकम काबे की दीवार से बस किया और फरमाया पालने वाले तुझे सुमरूद का वास्ता हुआ जो मेरे शिकम में, शायद शिकम से आवाज आई हो और मां परेशान ना हो। काबे का सेंटर जवानों बोला काबे का सेंटर में अली पैदा हुआ, कहां पैदा हुए अली? काबे का सेंटर वाला सेंटर अली पैदा हुआ काबे के दिल में। सारे नबियों ने अपने वलियों का, अपने वसीयों का जो ऐलान किया है वो ऐसे ही किया कि मेरे बाद ये है, हट के है नबी, बिल्कुल डिफरेंट, सबसे मिंबर बनाया गया बुलंदी पर। अली का माना, अली के माना होते बुलंद। नबी ने मिंबर बना के, नबी ने मिंबर बना के मिंबर बचा के ऐलान अली करके बता दिया कि मेरी सीरत पर अमल करने वाले जब भी अली का जिक्र करना पश्चिम में रहकर ना करना, बुलंद होकर करना। बुलंद बुलंद होके
उसमें रखना करना लेकर ले। और आजकल तो बड़ी पैसे चल रही पड़ोसी मुल्क में। एक जुमला पढ़ता हूँ, एक जुमला पढ़ता हूँ और यही से फिर मरबूत करूंगा गुफ्तगू मसाइल की तरफ। ये जवानों के लिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि जवानों में सवाल होते हैं। मजालिस का मकसद ये है, दरगाह है, यूनिवर्सिटी है, हमें बच्चों को इल्म देके जाए। आजकल बड़ा सवाल हो रहा है पहली को अज़ान से हटाओ, पढ़िए कुरान। अल्लाह कह रहा है अज़ान मिन अल्लाह व रसूल, अज़ान अल्लाह के लिए रसूल के लिए है। किसी ने पूछा या अली इस अज़ान से क्या मुराद है, इस अज़ान का क्या मतलब है? अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान में जहां जहां अज़ान आया वहां वहां मैं अली मुराद हूँ। नबी का खुतबा हुआ, नबी ने फरमाया इसका मैं मौला उसके याली मौला। उसके बाद दुआ की नबी ने अल्लाहुम्मा वाले मन वाला वहाज मन आदा वंसुर मन नसरा वंसुर मन खसरा। ए अल्लाह तू उसे दोस्त रख जो इसे दोस्त रखे, तू उसे दुश्मन रख जो इसे दुश्मन रखे, तू उसकी मदद कर जो इसकी मदद करे, तू उसे छोड़ दे, तू उसे छोड़ दे जो इसे छोड़ दे। यही वजह है आपका जाकिर आता है शान के साथ, ये तबलीग अली का कमाल है। यहाँ जो जाकिर आता है ना तबलीग अली कर रहे, ना लोटा लेके आता है ना बोरिया लेके मैंने बस आगे वालों के लिए जुमला कहा है, इसीलिए बंद किया मैंने। कमाल है इस जिक्र का, मेरे सरकार जिसका मैं मौला उसके अली मौला। अब जैसे ही नबी ने फरमा दिया आयत आई अब यौम अतमम तो लकुम दीना वा अतमम तो अलैकुम निअमत वा रज़ीत लकुम इस्लाम दीना। आज मैं दीन मुकम्मल कर दिया उड़े अलियाम, आज हमने दीन मुकम्मल कर दिया, आज हमने नेमतें तमाम कर दी, आज हम दीन इस्लाम से राजी हो गए, आज हम दीन इस्लाम से राजी हो गए। आदम आए अल्लाह राजी नहीं हुआ, नूह आए अल्लाह राजी नहीं, क्या सुन रहा है, नूह आए अल्लाह राजी नहीं हुआ, ईसा आए अल्लाह राजी नहीं हुआ, याकूब आए अल्लाह राजी नहीं हुआ, जैसे दिन है अली का तो रात किसकी है? शबे हिजरत पढ़ो वो मिन अन्नास मैं यशीद अफसोस के का, दिन भी अली का रात भी अली की। सलावत पढ़े महाराज लेना, फलूस की देखची लेना,
मुबादत का पानी मिलाना, नेक आमाली की आज पर रख के उबाल लेना, दिन में 5 मरतबा 17 घूम पी लेना, बेटा हुसैन आदम के बाद, नूह के बाद, मूसा के बाद, ईसा के बाद उनकी उम्मतों ने उनकी शरीयतों से इन्हराफ किया है। हुसैन मैं देख रहा हूं कि मेरी उम्मत मेरी जिंदगी में मेरी शरीयत से मुनहरिफ हो रही है। नाना जान मसला क्या है, नाना जान परेशानी क्या है? हुसैन दीन मुसीबत में है। नाना दीन मुसीबत में है तो मैं बचाऊंगा आपके दीन को, आप घबराए ना, मैं बचाऊंगा आपके दीन को। हुसैन मेरे दिन को आप बचाएंगे? कहाना मैं बचाऊंगा आपके दिन को। कहाना कहा हुसैन कैसे बचाओगे? कहाना आपका दिन बचाने के लिए मदीना छोड़ दूंगा मगर आपका दिन बचा लूंगा। हुसैन मदीना छोड़ने के बाद जो दिन न बचा तो क्या करोगे? नाना अपनी माँ की कब्र को खुदा हाफिज कह दूंगा मगर दीन बचा लूंगा। हुसैन अगर माँ की कब्र छोड़ने के बाद जो दीन न बचा तो क्या करोगे? नाना आपके रोजे पे आके आखिरी सलाम करके चला जाऊंगा मगर आपका दीन बचा लूंगा। हुसैन अगर मेरे रोजे से खुदा हाफिज कहने के बाद जो दीन न बचा तो क्या करोगे? नाना जान हज को उम्रे से तब्दील कर दूंगा मगर नाना आपका दीन बचा लूंगा। हुसैन अगर हज को उम्रे से तब्दील करने के बाद जो दीन न बचा तो क्या करोगे? नाना अपने छोटे छोटे से बच्चों को लोगे करबला के मेरे भाई।
یقین ہو رہی ہے نہ جانے مگر اکبر تو چلا گیا عباس کے تو بازو اکڑ گئے میرے بچوں میرے جوانوں بہت سنے مسائل آپ نے اللہ آپ کو جزائے خیر دے میں دو تین جملے پڑھ کے اپنی مجلس ملتوی کرتا ہوں گفتگو ملتوی کرتا ہوں میری طرف دیکھو میں کو سمجھانا چاہتا ہوں حسین کا سوکھا گلا حسین شمر کے ایک ہاتھ میں پتھر ایک ہاتھ میں خنجر کند ہے اس کے باوجود وہ پتھر کو مارتا ہے یہ جملہ پڑھتا ہوں اگر اس فرق کو سمجھ لیا نا تو گھر میں جا کے تنہائی میں پھر ماتم کرو گے مولا حسین کی مزہ ہوگی السلام علی المذبوح من الدفاع سلام اس پر کہ جسے پسے گردن تشریف کیا آپ کے امام زمانہ بنواتے ہیں سلام اس پر بکرے کو جب ذبح کیا جاتا ہے نا خنجر ایسے چلتا ہے نا بھیڑ کو جب میری طرف دیکھ لو میں اس ختم کی میں ایسے چلتا ہے نا لیکن جب درخت کو کاٹا جاتا ہے تو کلاڑی کیسے ماری جاتی ہے ایسے حسین کے گلے پر ایسے خنجر مل گیا حسین کے گلے پر ایسے بہت سخت ہے میرا دل شکیل خلق ہوں اور میں نے اکبر کے سینے میں پرچی دیکھی میرا دل نہیں کام اتار میں نے چھوٹے سے گلے پر تین والے کا تین دے اتار تیر ورگی تھا بچہ باپ کے ہاتھوں پہ الٹ گیا لیکن اتار میرا دل نہ کام مختار میں نے عباس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے میں نے عباس کو گھوڑے سے نیچے گرتے ہوئے دیکھا جملہ اگر آپ تک پہنچ گیا تو ان شاء اللہ ماتم کرتے ہوئے تھے آپ میں بہت شکیل القلب ہوں مختار کہتا تو ظالم کہاں کافا تھے رکھے تو مختار ایک منظر تھا کہ میرا دل بھی کاپ گیا شمر جیسا خبیث انسان کہہ رہا ہے کہ ایک منظر تھا میرا دل بھی کہا جناب مختار نے کہا جلدی بتا دیں تو کہتا مختار نہیں مختار یہ تیرے دربار میں جتنے بیٹھے ہیں نا یہ سب عزادار ہیں مختار مجھے ڈر ہے کوئی عزادار مرنا چاہے انہیں باہر بھیج دے تو میں بتاؤں گا مختار نے کہا نہیں ظالم تجھے ہی نظر آ رہا ہوں سامنے بتانا پڑے گا شمر کہتا کہ مختار کہے گا